एवरीवन, दिस इज डाइटिशियन नलिनी. आई होप आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी रही हो. अब दिवाली तो अच्छी हो गई, लेट्स टॉक अबाउट अब आगे क्या किया जाए. काफ़ी क्यूरीज आती है दिवाली के बाद, वेट गेन हो गया, स्टमक अपसेट हो गया, या जो वेट लॉस किया था वो वापस वेट बाउंस बैक हो गया. सो डाइटिशियन नलिनी प्रेजेंट्स यू 3 डेज दिवाली डिटॉक्स. दिवाली के मौके में आप सब लोगों ने बहुत कुछ खाया, फ्राई भी खाया गया, मीठा भी खाया गया. अब आइए देखते हैं कि उन सब चीज़ों को हम कैसे एक हेल्दी डाइट के साथ कैसे बैलेंस कर सकते हैं. Day 1, सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने सिस्टम को क्लेंस करना. सुबह उठते ही अपने सिस्टम को क्लेंस करें, 1 खीरा मीडियम साइज़, 2 मीडियम साइज़ कीवी और 1 ग्लास पानी. इन तीनों चीज़ों को मिक्सी में डाल के आप ब्लेंड कर सकते हैं एंड बिना छाने ये स्मूदी अपनी डाइट में अर्ली मॉर्निंग ज़रूर ऐड करें. अगर आप पसंद करें तो इसमें थोड़ी सी कच्ची हल्दी या फिर कुछ लीव्स पुदीने की भी आप ऐड कर सकते हैं. ब्रेकफास्ट, दिवाली के टाइम में काफ़ी डेयरी प्रोडक्ट खाया जाता है, बर्फ़ी खाई जाती है, मिठाइयाँ खाई जाती हैं, खीर खाई जाती है. सो फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज अगर आप अपने ब्रेकफास्ट में दूध अवॉइड करेंगे तो आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिलेगी फ्लैटुलेंस से एंड ब्लोटिंग से. हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस आर 1 स्टफ रोटी जिसमें आप थोड़ा सा बेसन का आटा या चने का आटा डाल के ले सकते हैं, ब्राउन राइस का पोहा या नमकीन दलिया या नमकीन सेवियाँ. मिड नून 11 से 12 बजे का टाइम, इस टाइम चाय की बजाय अगर आप हरे नारियल का पानी या 1 ग्लास प्लेन छाछ या फिर नींबू पानी अपनी डाइट में ऐड करेंगे आपको हाइड्रेट करेगा एंड डिटॉक्सिफाई करेगा. लंच लेना बहुत ज़रूरी है. लंच में रोटी के बजाय आप इनिशियली फर्स्ट डे 1 बाउल खिचड़ी का ले सकते हैं या फिर नमकीन ओट्स ले सकते हैं या फिर नमकीन दलिया ले सकते हैं. अदरवाइज लौकी या तोरी की सब्जी 1 बाउल 1 कटोरी सैलेड के साथ अपनी डाइट में आप ऐड कर सकते हैं. इवनिंग शाम के 4 से 5 बजे का टाइम, कुछ दिनों के लिए अपनी शाम की चाय को ग्रीन टी से रिप्लेस करें. अगर वो नहीं लेना चाहते तो आप शाम के टाइम 30 ml एलोवेरा या आंवले का जूस अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं. ये बहुत अच्छी तरह से आपके सिस्टम को डिटॉक्सीफाई करता है एंड आपकी बॉडी को एल्कलाइन करता है. साथ में आधी कटोरी मखाने, 5 से 10 भिगोई हुई बादाम की गिरी ज़रूर ऐड करें. यह आपको इसेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड फाइबर प्रोवाइड करता है. डिनर, रात का डिनर लेना ज़रूरी है. डिटॉक्सिफाई का यह मतलब नहीं कि आप रातों कुछ खाएंगे नहीं. अगर आप रातों कुछ लेंगे नहीं तो आपकी बॉडी में एयर एलिमेंट इंक्रीज हो जाएगा, यानी सिस्टम में और ज़्यादा विंट इंक्रीज हो जाएगी. सो रात के डिनर में 1 कटोरी कोई भी हल्की सब्जी, लौकी, तोरी या टिंडे एक छोटी सी रोटी के साथ ज़रूर लें या फिर 1 कटोरी रायता रात को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं. रात को सोने से पहले 1 ग्लास सौंफ का पानी ज़रूर लें. 1 ग्लास पानी, 1/4 टीस्पून सौंफ, इसको बॉईल करें. छान के रात को सोने से पहले यह पानी आपकी यूरिनेशन इंक्रीज करता है एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आपका स्टमक अच्छे से क्लियर होता है. Day 2, अर्ली मॉर्निंग, सुबह की दूध वाली चाय से पहले 1 ग्लास गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़ के ज़रूर ऐड करें, साथ में 5 बादाम भिगे हुए. ब्रेकफास्ट, आज आप ब्रेकफास्ट में सूजी की इडली या उत्पम या चीला ऐड कर सकते हैं. और हेल्दी ऑप्शन चाहते हैं तो जौ का चीला या रागी का चीला भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं. 11 से 12 बजे के टाइम में 1 ग्लास छाछ, उसमें कड़ी पत्ता और राई का तड़का ज़रूर लगाएं. लंच में 1 कटोरी दाल के साथ 1 रोटी या फिर 1 कटोरी दाल के साथ 1 छोटी सी रोटी या फिर 1 स्मॉल पोर्शन ब्राउन राइस का पुलाव या फिर चने वाली दाल लौकी डाल के साथ में 1 रोटी अपनी डाइट में आप ऐड कर सकते हैं. इवनिंग 4 to 5 PM के टाइम में 1 फ्रूट ज़रूर ऐड करें. ये फ्रूट पाइनएप्पल भी हो सकता है, पपाया भी हो सकता है, एप्पल भी और नाशपाती भी, जो आपकी पसंद हो. दूसरे दिन से आप अपनी शाम की चाय इंटेक स्टार्ट कर सकते हैं. चाय से पहले अपना फ्रूट ज़रूर लें, चाय के साथ कुछ मखाने और 1 से 2 गिरी अपनी अखरोट की. डिनर, आज रात के डिनर में सूप है, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं या फिर टमाटर का सूप ले सकते हैं, साथ में 1 बाउल सैलेड. Day 3, आई होप अब तक आपका सिस्टम काफ़ी अच्छे से क्लेंस हो गया होगा, पर आज भी आपने हिम्मत नहीं छोड़नी, 1 दिन और कंप्लीट करना है. अर्ली मॉर्निंग
आज सुबह ना कोई जूस पीना है ना कोई स्मूदी बनानी है. आई विल गिव यू द इजीएस्ट ऑप्शन, एलोवेरा. सुबह उठते ही 30 ml एलोवेरा जूस 1 से 2 ग्लास गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, फॉलोड बाय योर मिल्क टी. मिल्क टी के साथ कुछ दाने मखाने एंड 2 अंजीर भिगोई हुई. ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में 1 स्टफ परांठा नॉन फ्राई 1 कटोरी दही के साथ, या फिर बेसन का चीला जिसको हम पूरा भी कहते हैं, या फिर स्प्राउट्स अंकुरित दालों की चाट. साथ में दही या लस्सी जो आप पसंद करें अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं. मिड मॉर्निंग काफ़ी ऑप्शन है, हरे नारियल का पानी या नींबू पानी या छाछ. लंच, लंच में नॉर्मल अब आप अपनी 1 रोटी बढ़ा सकते हैं, 2 रोटी किसी भी सब्जी के साथ, साथ में रायता. अगर चावल लेने का मन करे तो छोटी कटोरी चावल ही अपनी डाइट में ऐड करें. इवनिंग, इवनिंग में भी आपने एलोवेरा जूस रिपीट करना है. द रीज़न, क्योंकि ये आपकी बॉडी को एल्कलाइन करता है, जो भी टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं आपके सिस्टम में उसको डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है. सो शाम की चाय से पहले एलोवेरा जूस ज़रूर लें, फॉलोड बाय योर मिल्क टी, साथ ही मखाने एंड 2 खजूर. डिनर, डिनर में सूप के साथ 1 छोटी सी रोटी आप ले सकते हैं, चाहे तो ये रोटी सब्जी के साथ लें या फिर स्टफ नॉन फ्राई रोटी भी ले सकते हैं. नॉन वेजिटेरियंस 2 एग वाइट्स ले सकते हैं सब्जियों के साथ, या फिर 2 से 3 पीस ग्रिल चिकन या फिश का ऐड कर सकते हैं. रात को सोने से पहले सिंपल 2 ग्लास गर्म पानी अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें. आई होप आपने इसके नोट्स अच्छे से बना लिए होंगे एंड आई एम श्योर आप इसको फॉलो करेंगे. इसको फॉलो करिए एंड अपना फीडबैक नीचे मुझे ज़रूर दीजिए. वेटिंग फॉर योर फीडबैक.